गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। अगर एक लेवल सर्कुलर रोड है उस पर मोशन ऑफ व्हीकल कैसा होगा। नाउ लेट अस सपोज दैट वी आर हैविंग अ रोड लाइक दैट, इट इज अ लेवल सर्कुलर रोड विच इज हैविंग अ रेडियस आर। यहाँ से रेडियस आर है इसकी और ये एक सर्कुलर रोड है और इस सर्कुलर रोड पे एक व्हीकल जा रहा है। व्हीकल है यहां पर, उसका मास m होगा। सपोज कर लो ऐसा व्हीकल है, ये बंदा बैठ गया और इसका मास m है, वेलोसिटी v के साथ ये इधर टर्न करता हुआ जा रहा है। सो इस व्हीकल के इस व्हीकल के ऊपर जो है कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी। नंबर वन, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी इसका वेट जो बिल्कुल नीचे की तरफ, W इज इक्वल टू एम जी विच विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां से नीचे की तरफ सीधा इसका वेट आएगा जी, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरा नंबर होगा इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और ये होगा इट विल बी परपेंडिकुलर इन द अपर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड, यहां से ऊपर की तरफ आर होगा। और तीसरी वो फोर्स होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड विच विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स सो दैट इट डज नॉट स्किड अवे। और तीसरा क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी। ये तीन फोर्सेस हैं जो उस व्हीकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अब चूंकि हम देख रहे हैं एज देयर इज नो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, अब चूंकि वो रोड से ना तो गाड़ी ऊपर जा रही है ना वो नीचे की तरफ जा रही है, सो इन दैट केस आर मस्ट बी इक्वल टू एम जी, आर एम जी के बराबर है, ताकि जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है उतनी ही नीचे की तरफ लग रही है। एंड देयर फोर आर वी कैन राइट दैट आर इज इक्वल टू एम जी, राइट दिस इक्वेशन नंबर वन, जो हमारे काम आने की चीज है, दैट इज द वेट ऑफ द कार मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, नंबर वन हो गया। और जब ये कार जब टर्न लेती है, व्हेन दिस कार टेक्स अ टर्न इन एट दैट मोमेंट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एस जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सप्रेशन होती है, आपको मालूम होनी चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर टू दे देना आप जी। उसके बाद हम जानते हैं अब आर क्या है, यहां पर रेडियस है। उसके बाद हम जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में किया था कि एफ एस जो होता है, एफ एस डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू म्यू एस होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां से अगर हम करना चाहें तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर हो जाएगा जी, म्यू एस इंटू आर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास यहां पर इसमें ये वाली दोनों वैल्यूज आप लगा दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दें, तो आप लिख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, एफ एस की वैल्यू लगाएंगे एम बी स्क्वायर बटे आर, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, हमारा म्यू एस ऐसे और एम जी ऐसे का ऐसे, ये आ गए हमारे पास। नाउ फॉर द कार टू स्टे ऑन द रोड, फॉर द व्हीकल टू स्टे ऑन द रोड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टेटिक फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, कि हमारी गाड़ी उस रोड के ऊपर ही रहे, स्किड ना हो जाए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उससे या तो बराबर हो या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू एस इंटू एम जी मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब यहां से ये एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से म्यू एस
इंटू जी, और ये आर वी इधर आ सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्केयर। तो जहां इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वी स्केयर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू जी इंटू आर एंड वी इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस जी इंटू आर। एंड माई डियर स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। अगर हमारी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इससे या तो कम है या इसके बराबर है तो गाड़ी हमारी रोड पर रहेगी। अगर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाती है तो देन हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम पड़ जाएगी और हमारी गाड़ी जो है वो स्किड होकर के रोड से नीचे हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। एंड सो माय डियर स्टूडेंट दिस वाज द एक्सप्रेशन वाज फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी कैन सेफली टर्न अ लेवल सर्कुलर रोड, कि ऐसी सर्कुलर रोड जो कि बिल्कुल लेवल में। बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग क्या होती है, अब हम देखते हैं जब गाड़ी हमको इस तरह घुमानी होती है तो आमतौर पर आपने देखा होगा हाईवे पे जब होते हैं तो जहां पर आपको टर्न दिखाई देता है रोड में तो बाहर की तरफ जो है वो ऊंची उठाई होती है, रोड अंदर की तरफ नीचे रह जाती है, दैट इज कॉल्ड एज बैंकिंग। एंड सो फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न्ड, बैंकिंग क्या होता है, इट इज द फेनोमेना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व डोर अबव द इनर एज। अब इसको किया क्यों जाता है कि अंदर की तरफ जो हमारी बॉडी जो है, जो हमारा व्हीकल है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की दी जाए, वो इसलिए ताकि हमारा व्हीकल जो है वो सेफली उस टर्न को क्रॉस कर जाए। एंड दैट प्रोसेस द फेनोमेना ऑफ रेजिंग द आउटर एज इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड, उसको हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। और इसका फायदा क्या होता है, जितनी हमने बैंकिंग की होगी उतना हमारा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा बनेगी और हमारी गाड़ी सेफली काफी स्पीड के साथ वहां से टर्न हमारी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि व्हाट वुड हैपन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड। एक बैंक्ड रोड पे गाड़ी जब मोड पे जा रही है तो उसमें उसका मोशन क्या होगा, लेट अस सपोज आई एम हैविंग अ कर्व्ड बैंक रोड लाइक दैट। ये एक कर्व्ड बैंक रोड है, ये एक रोड थी कर्व्ड रोड थी, इसका रेडियस आर है और इसको हमने इतना बैंक कर दिया हुआ है, इतना हमने इसका बाहर वाला जो इसका सिरा है रोड का उसको इतना हमने उसको रेज कर दिया है, अंदर वाला नीचे रखा है, तो ये आ गया कर्व्ड बैंक रोड आ गई हमारी। तो ये एंगल जो होता है जिस एंगल के जरिए, इतना एंगल जिस एंगल से हम इस रोड को बैंक करते हैं, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग, इसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इस बैंक रोड पे एक गाड़ी जा रही है तो उसका मोशन कैसा होगा, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी सो दैट दिस व्हीकल टेक्स अ सेफर टर्न ऑन दिस रोड। अब हम जैसे हमने पहले किया था अभी वैसे ही हम इस पे भी देखते हैं कि इस पे कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। नंबर वन, इस पे पहली फोर्स तो करेगी तो इसका वेट इज इक्वल टू एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, जो वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एक्ट करेगा। नंबर दो, अभी हमने देखा था नॉर्मल रिएक्शन आर एक्ट कर रही थी, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो हमेशा जो रोड का बेड होगा उसके परपेंडिकुलरली जो एक्ट करेगी। अब हमारा बेड हमारा ऐसे है, थोड़ा ये इस तरफ से उठा हुआ है, ये टेढ़ा है, तो इसका मतलब इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होनी है, यहां पर बिल्कुल सीधी नहीं होगी। एक तो ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन। तो अब हम देखते हैं कि ये थीटा अगर हम यहां इसका हम ऐसे बनाए सीधी, इसको सीधा करें तो ये एंगल थीटा ही बनता है जितना ये है, तो ये एंगल थीटा बनेगा। हमने पिछले जब आपको एंगल ऑफ रिपोज करवाया था तब हमने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि ये एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल जो है थीटा क्यों बनता है, ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स बनते हैं इसलिए ये एक दूसरे के बराबर होंगे। नाउ अब ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये वाला वेक्टर, तो इस तरफ क्या होगा, इसको हम कहेंगे आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। और आर कॉस थीटा के अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इधर तो इट वुड बी आर साइन थीटा। अब ये आर साइन थीटा जो हो गया ये हमारे पास आ गई जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी हमें अंदर हमारी गाड़ी तक स्किड जो बाहर की तरफ ना हो जाए।
तो हमने क्या किया, ये जो आर जो था नॉर्मल रिएक्शन उसको हमने रिजॉल्व कर लिया दो पार्ट्स में। अब अगर हम देखें तो देखिए आर का थीटा और एम जी ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं और हमारी गाड़ी ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसलिए आर का थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर का थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, नंबर वन इक्वेशन। उसके बाद दूसरी बात अगर हम देखें तो r साइन थीटा जो है तो ये तो हमारी हो गई अंदर की तरफ जो फ्रिक्शन है, तो ये क्या करती है, ये हमें प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसलिए r साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स और वो है एम स्क्वायर बटे r। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर दो। अब हम क्या करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू वी गेट आर साइन थीटा, नो सॉरी इट इज आर का थीटा, आर का थीटा नहीं होगा, आर साइन थीटा ही लिखना है ऊपर, हाँ यस इट इज आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का थीटा इज इक्वल टू, यहां आएगा एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एंड डिवाइडेड बाय एम जी आ जाएगा, तो m और m कट जाएगा तो r और r कट गया, तो यहां आपके पास आ गया tan थीटा विल बी इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू जी, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये r ऐसे स्मॉल r है इट इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू जी। तो यहां से अब हम देखते हैं कि इट शोज दैट द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स अपॉन, अब देखिए कहां कहां पे डिपेंड कर रहा है ये एंगल ऑफ बैंकिंग, किस पे डिपेंड करेगा, या तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा या रेडियस पे डिपेंड करेगा या जी पे डिपेंड करेगा, हमारा कहने का मतलब है कि मास ऑफ व्हीकल पे ये डिपेंड नहीं करता, ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द कार। अब तो अब हम निकालते हैं व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार, अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार यहां से हम देखें तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r g किसके बराबर आया था, ये आया tan थीटा, तो यहां से v स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया r g tan ऑफ थीटा, और v किसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट r g tan ऑफ थीटा, तो इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, अगर तो इससे वेलोसिटी कम होगी तब भी हमारी गाड़ी अच्छे से टर्न हो जाएगी, सेफली टर्न हो जाएगी, अगर इससे वेलोसिटी कम है तब भी टर्न हो जाएगी, अगर इसके बराबर है तब भी टर्न हो जाएगी, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी जो है हमारे व्हीकल की इससे बढ़ गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ गाड़ी टर्न हो जाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम आर बढ़ा सकते हैं, अगर आर बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगी तो हमारा टर्न कम हो जाएगा, दूर से जा करके खुलेगी आराम से, उसके बाद जी तो हम चेंज नहीं कर सकते वो तो रहेगा, जहां हम थीटा बढ़ा सकते हैं, और जो थीटा क्या होता है एंगल ऑफ बैंकिंग होता है, कि हम क्या करेंगे आउटर एज ऑफ द रोड जो है उसको ऊपर रेज कर लेंगे, इसलिए जैसी रोड होगी, अब जैसी ऐसी रोड्स होती हैं उनके अनुसार वहां पर आपने देखा होगा साइड पे एक बोर्ड लिखा रखा रहता है कि वहां पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट लिखी रहती है कि इतनी स्पीड लिमिट के साथ आप चला सकते हैं, आप सेफली चले जाएंगे। तो अगर जो हाईवे होते हैं वहां पर तो 60 से कम नहीं चला सकते, 60 से ऊपर ही होती है, तो इस तरीके से जब इस जो हमें रोड्स बनाई जाती हैं उस समय ये देख लिया जाता है कि हमें इतनी वेलोसिटी के साथ यहां हमको गाड़ी ले जानी है, तो उस समय फिर ये थीटा जो होता है या इसको और या आर हम बढ़ा लेते हैं, या तो आर बढ़ा पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसका अपर एंड जो है तो वो रेज कर लेंगे, सो दैट थीटा इज ग्रेटर एंड आवर व्हीकल कैन सेफली टर्न ऑन दिस बैंकड रोड। अब इसके बाद एक बात और आती है, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट मतलब क्या हो गया, अगर एक साइक्लिस्ट अगर आप ही साइकिल लेकर के रोड पर जा रहे हैं आगे आ गया टर्न, तो आप क्या करते हैं, आप अपने साइकिल को बेंड करते हैं, आप खुद बेंड होते हैं साइकिल भी बेंड हो जाता है, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया कि ये थीटा जो है इस एंगल को आप बढ़ाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई अ साइक्लिस्ट बेंड ऑन ए कर्व्ड रोड,
कि जब कर्व रोड आती है उस समय वो अपने आप को बेंड क्यों करता है। बेंड करने से क्या होता है कि ये थीटा एंगल को वो बढ़ाता है, और जो थीटा एंगल अगर उसका बढ़ेगा तो उसका स्किड नहीं होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी, तो वो जो सेफली उस जो रोड है उसमें से वो टर्न करके चला जाएगा। दैट वॉज ऑल अबाउट द मोशन ऑन ए कर्व रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, एंगल ऑफ बैंकिंग and maximum velocity of a vehicle on a curved bank road and bending of cyclist. I hope आपको समझ आ गया होगा। Even then, if you feel any problem, put a note in the comment box and I will explain it in the next lecture. Thanks and have a nice day. Stay home, stay safe.